नमस्कार वीकेबी न्यूज के सुबह के प्राइम टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। नागपुर मनपा स्टेशनरी घोटाले में दो आरोपी गिरफ्तार, घोटाले से जुड़े अधिकारियों में मची खलबली। दसवीं की छात्रा कोविड संक्रमित पाई गई, छात्रा के संपर्क में आए सभी की जांच होगी। और सेंट्रल एवेन्यू रोड पर हुआ मेट्रो ट्रायल का स्वागत, व्यापारी संगठनों के सदस्यों ने जताई खुशी। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर महानगर पालिका स्टेशनरी घोटाले में सदर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी की शुरुआत करते ही घोटाले से जुड़े अधिकारी तथा पदाधिकारियों में खलबली मच गई। गिरफ्तार आरोपी अतुल मनोहर साकोड़े तथा कोलबा जनार्दन साकोड़े है। ज्ञात है कि सदर पुलिस बुधवार रात कोलबा साकोड़े, उनकी पत्नी सुषमा साकोड़े, अतुल साकोड़े तथा मनोहर साकोड़े के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मनपा के स्वास्थ्य अधिकारी संजय चिलकर की शिकायत पर यह मामला दर्ज हुआ। आरोपियों ने 7 अक्टूबर 2020 से 31 जुलाई 2021 के दौरान स्टेशनरी की आपूर्ति किए बगैर फर्जी बिल तैयार किए। आरोपी खुद को बेकसूर बता रहे हैं। सूत्रों के अनुसार आरोपियों का कहना है कि घोटाले में मनपा के ही कर्मचारी लिप्त हैं। उक्त कर्मियों ने उनसे फर्जी बिल हासिल किए थे। बिल की राशि अपने आरोपियों के खाते में जमा कर उन्होंने मनपा कर्मियों से स्टेशनरी की आपूर्ति किए बगैर ही भुगतान होने को लेकर सवाल किए। मनपा कर्मियों ने उन्हें इस सिस्टम हिस्सा बताते हुए शांत रहने की नसीहत दी थी। मनपा के आरोग्य अधिकारी श्री डॉक्टर श्री संजय दादाराव चिलकर यांनी पोलीस स्टेशनला एक तक्रार अर्ज दिलेला होता। त्याच्यामध्ये त्या तक्रार अर्जाप्रमाणे आरोपींचे मेसर्स सुदर्शन पेपर कन्वर्टिंग नागपूर, मेसर्स मनोहर साकोडे ब्रदर्स नागपूर, मेसर्स स्वस्तिक ट्रेड लिंक नागपूर आणि मेसर्स गुरुकृपा स्टेशनर्स प्रिंटर्स, मेसर्स एस के एंटरप्राइजेस नागपूर असे फर्म आहेत। आणि या फर्मला NMC नागपूरकडून स्टेशनरी सप्लायचे टेंडर देण्यात आलेले होते आणि त्या आधारे आरोपींनी बोगस कागदपत्रे तयार केली, बोगस बिले तयार केली, बोगस निवेदने तयार केली आणि त्यांनी बिले NMC डिपार्टमेंटला मंजुरी करता पाठवले आणि ते मंजुरी NMC कडून ते मंजूर करण्यात आले। आणि आरोपींनी 67,08,630 रुपये रकमेचा तिथून उचल केलेला आहे। नंतर NMC च्या लक्षात ही बाब आल्याने त्यांनी पोलिसांना तक्रार अर्ज दिलेला आहे। आम्ही त्याच्यामध्ये चौकशी केलेली आहे आणि चौकशी करून आम्ही 420, 462, 468, 471, 434 आम्ही गुन्हा नोंद केलेला आहे। नागपुर स्थित कामठी तहसील के खेरी में स्थित एक नामी स्कूल की कक्षा 10वीं की छात्रा कोविड संक्रमित पाई गई। उल्लेखनीय है कि संबंधित छात्रा ने गुरुवार को ही स्कूल में आयोजित परीक्षा भी दी और शुक्रवार को उसकी RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव आई। छात्रा के संपर्क में आए लोगों की भी जांच अब करवाई जाएगी। इसी बीच शुक्रवार को नागपुर जिले में 8 नए संक्रमित मिले। शुक्रवार को कामठी मार्ग पर स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल के 15 साल की एक छात्रा के संक्रमित होने की जानकारी उजागर होते ही अभिभावकों में चिंता जताई जा रही है। संबंधित छात्रा के पिता की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। पिता की कोलकाता यात्रा की हिस्ट्री है। दोनों में हल्के लक्षण होने से दोनों को होम क्वारंटीन किया गया है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दीपक सेलोकार ने बताया कि छात्रा के संक्रमित होने के बाद उसके संपर्क में आए स्कूल के अन्य विद्यार्थी, शिक्षक और कर्मचारियों की भी जांच करवाई जाएगी। साथ ही छात्रा के नमूने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे। उधर दिल्ली पब्लिक स्कूल प्रबंधन ने कहा कि एक सप्ताह तक के लिए स्कूल बंद रखा जाएगा। नागपुर में आखिरकार मेट्रो के पहले चरण का कार्य पूरा होने के कगार पर है, जिसे देखते हुए शुक्रवार को सीताबर्डी से वैष्णो देवी चौक तक मेट्रो का ट्रायल रन सफलतापूर्वक रहा, जहां सेंट्रल एवेन्यू रोड पर टीम नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स, NVCC और विदर्भ टैक्स पेयर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने मेट्रो के ट्रायल रन का जोरदार स्वागत किया। जैसे ही मेट्रो सेंट्रल एवेन्यू रोड स्थित प्रीतम होटल के पास पहुंची, जोरदार जश्न मनाया गया। इस दौरान NVCC के अध्यक्ष अश्विन मेहाड़िया, कांग्रेस के
प्रदेश महासचिव अतुल कोटेचा समेत अन्य लोगों की भी मौजूदगी रही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन बने रहिए आप हमारे साथ। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक नागपुर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अमरावती में अवैध व्यवसायियों पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में 4 दिन ऑपरेशन ऑल आउट किया गया, जिसमें 251 आरोपियों को गिरफ्तार कर लाखों का माल भी जब्त किया गया। अमरावती पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में अमरावती में ऑपरेशन ऑल आउट 4 दिन किया गया। अमरावती जिले में ग्रामीण परिसर में विविध पुलिस स्टेशन अंतर्गत अवैध व्यवसाय करने वाले, साथ ही जुआ, अवैध शराब बिक्री करने वाले, अवैध रेत यातायात करने वालों पर कार्रवाई की गई, जिसमें शराबबंदी अंतर्गत 251 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही आरोपियों के पास से 8,46,000 का माल जब्त किया गया। साथ ही जिले के जुआ अड्डे पर पुलिस ने छापा मार कर 164 आरोपियों पर कार्रवाई की, उनसे 6,80,000 का माल भी जब्त किया। 16 ज्यामध्ये आम्ही धडक मोहीम अवैध धंद्यांविरुद्ध आणि जे वॉरंट पोलीस स्टेशनला प्रलंबित आहे ते तामील करण्याकामी पकड वॉरंट एक मोहीम आखली होती। त्या मोहिमेअंतर्गत 4 दिवसात दारूबंदी कायद्याअंतर्गत 248 केसेस करण्यात आला आणि जुगार कायद्याअंतर्गत 107 केसेस करण्यात आले। 29 पकड वॉरंटची बरेच काळ तामील होत नव्हती, 29 पकड वॉरंटची तामील करण्यात आली आणि 10 आरोपी अटक करण्यात आली। यामध्ये 8.5 लाखाचा मुद्देमाल दारूबंदी केसेसमध्ये कायद्यान्वये ज्या केसेस करण्यात, त्यामध्ये 8.5 लाखाचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आणि जुगार अंतर्गत 6,80,000 मुद्देमाल जप्त करण्यात आला। एकूण दारूबंदी कायद्यान्वये ज्या केसेसमध्ये 251 आरोपी आणि जुगारमध्ये 164 आरोपी एकूण निष्पन्न झाले। या मोहिमेअंतर्गत वाळू, जे बेकायदा वाळू वाहतूक यासंबंधी चोरीच्या 8 केसेस दाखल करण्यात आलेल्या आहेत आणि जी वाळू तस्करी रोखण्यासाठी माननीय जिल्हाधिकारी यांनी जी बैठक आयोजित करण्यात आली, त्यामध्ये जे त्यांनी समन्वय महसूल, पोलीस, खनिकर्म विभागाचे अधिकारी या आणि RTO यांच्या समन्वय, यांचं एक पथक गठीत करण्यात येण्यासंबंधी त्यांनी सूचना दिल्या होत्या। त्या सूचनांनुसार स्थानिक तहसीलदार, इन्चार्ज, SDPO एकमेकाच्या संपर्कात आले, समन्वयाने एक पथक गठीत करून पुढील कारवाई करण्यात येणार आहे। मनपा के न्यूसेंस डिटेक्शन स्क्वाड की तरफ से शुक्रवार को गांधीबाग बाजार के राज प्लेइंग मार्बल शोरूम की जांच की गई। जांच में 1,000 प्लास्टिक के पतंग और बड़ी मात्रा में नायलॉन मांजा जब्त किया गया। दुकान के मालिक शब्बीर भाई पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। NDS की तरफ से शहर भर में 55 पतंग दुकानों की जांच की गई। उसी प्रकार 3 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करते हुए 35,000 रुपए NDS दल का जुर्माना वसूल किया गया। शहर में कुल 46 प्रतिष्ठानों व मंगल कार्यालयों की जांच की गई, जिसमें मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी के निर्देशानुसार NDS प्रमुख वीरसेन तांबे के मार्गदर्शन में ये कार्रवाई की जा रही है। नागपुर में बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस की पदयात्रा का आयोजन किया जाने वाला है। इस पदयात्रा के दौरान राज्य के ऊर्जा मंत्री और नागपुर शहर के पालक मंत्री डॉ. नितिन राउत की मौजूदगी रहेगी। पदयात्रा 18 दिसंबर को बेजनबाग के जनसंपर्क कार्यालय से शुरू होकर 10 नंबर पुलिया पर समाप्त होगी, ऐसी जानकारी आयोजकों द्वारा दी जा रही है। वर्धा जिले के हिंगनघाट विधानसभा क्षेत्र में अनेक महिला पदाधिकारियों ने वर्धा के सद्भावना भवन में पालक मंत्री सुनील केदार के नेतृत्व में प्रवेश किया। ज्ञात हो कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कमान नाना पटोले को मिलने के बाद कांग्रेस की शक्ति बढ़ाने का कार्य तेजी से चल रहा है, जिसे देखते हुए राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित भी किए जा रहे हैं।
इसी बात के चलते वर्धा जिले के हिंगनघाट में कांग्रेस जिला कमेटी द्वारा कैबिनेट मंत्री व पालक मंत्री सुनील केदार द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देशात केंद्र सरकार ने किंवा मोदी सरकार ने जनसामान्यांच्या विरोधात जे काही धोरण घेतलं आहे त्याचा त्रास आता सर्वसामान्य लोकांना होत आहे आणि देशाची जी होत असलेली अधोगती पाहता सर्वसामान्यांच्या मनात आता काँग्रेसच एक पक्ष असा आहे की जो देशाला वाचवू शकते आणि आपल्या पुढच्या पिढ्या सुरक्षित ठेवू शकते अशी एक भावना तयार होत आहे। त्यानिमित्तानं नवनवीन लोक आता पुन्हा काँग्रेस पक्षात प्रवेश घेत आहे आणि आम्ही त्यांचं स्वागतही करत आहे। येणाऱ्या काळात स्वातंत्र्य लढ्यातील काँग्रेस पक्ष पुन्हा एकदा जोमाने या गांधी जिल्ह्यात पुन्हा एकदा आपलं वर्चस्व निर्माण करेल आणि देशात पुन्हा पण काँग्रेस पक्षाची सत्ता येऊन पुन्हा देश एका सुरक्षित लोकांच्या हातात राहील अशी मला आशा वाटते। येणाऱ्या निवडणुकात या लोकांचा येणाऱ्या प्रवेशांचा जास्तीत जास्त फायदा आमच्या पक्षाला होईल अशी मी आशा बाळगतो आणि देशाच्या दृष्टिकोनातून फक्त काँग्रेसच एकमेव पक्ष सक्षम आहे देश वाचवण्यासाठी। त्याचे हात बळकट होत आहे हे पाहून देशही आपला कुठेतरी बळकटीकडे वाटचाल करू लागला अशी मला खात्री आहे। तो सुबह के प्राइम टाइम में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार है जारी।